Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is My English Book 6 and I am Rubina Hamid Shikalgar. Today we are going to learn the lesson The Wild Boar and the Fox. I am reading this paragraph, first paragraph. Keep your fingers on words and keep your ears on my pronunciation. Jungli Suar aur Lumbri, ye sabak aaj hum padhne wale hain. अपनी उंगलियां अल्फाज पर रखिए और कान मेरे तलफ्फुज पर. One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. One day, एक वक्त की बात है, एक दिन की बात है. A wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. एक जंगली सुअर दरख्त के तने से घिसकर अपने दांत तेज कर रहा था. He was doing it very carefully. और वो ये काम बहुत अच्छे से ध्यान से कर रहा था. There lived a fox in the same forest. उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. वो हमेशा मौके की ताक में रहती कि कैसे वो जंगल के दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाए, उन्हें सताए. When he saw the wild boar, he decided to tease him. जब उसने जंगली सुअर को देखा तो उसने तय कर लिया कि वो उसे भी सताएगी, चिढ़ाएगी. He began to walk around the trees. वो दरख्तों के इर्द गिर्द घूमने लगी. Looking left and right and up and down. कभी ऊपर देखती, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं. He also began to act as if he was really scared. वो ये भी उसने ये भी बताना शुरू कर दिया कि जैसे वो बहुत घबराई हुई है. But the boar did not pay any attention to him. लेकिन सुअर अपना काम करता रहा, उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. He kept right on his work. वो अपना काम करता रहा. I am reading these lines. Keep your fingers on words and keep your ears on my pronunciation. नीचे की लाइन मैं पढ़ रही हूँ. सभी अपना अपनी उंगलियां लफ्जों पर रखिए और कान मेरी आवाज पर. At last the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now, there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk." लोमड़ी से रहा नहीं गया और बेचैनी के साथ उसने सुअर से पूछा, "Why are you doing that? तुम ये क्यों कर रहे हो?" "I tried very hard. मैंने बहुत कोशिश की, but I did not see any hidden enemy or danger. लेकिन मुझे कोई दुश्मन या खतरा, छुपा हुआ दुश्मन या खतरा नजर नहीं आया." बोर ने कहा, "सही कहा तुमने, तुम सच कह रहे हो." "Just now, there may not be any danger." अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है. "But when it really comes." लेकिन सच में जब बुरा वक्त आएगा, कोई खतरा आएगा,
देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टस्क। लेकिन सच में अगर कोई खतरा आ गया तो तब शायद मेरे पास वक्त नहीं हो अपने बचाव के लिए अपने दांतों को तेज करने का। माय वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन। मेरा हथियार, मेरे दांत उस वक्त मुकाबला करने के लिए तैयार होने चाहिए। इफ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं अभी तैयारी नहीं करूं तो आई विल हैव टू सफर, तो मुझे उस वक्त परेशानी हो सकती है, मुझे तकलीफ उठानी पड़ सकती है। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। इस कहानी से हमें ये पता चलता है, ये कहानी हमें ये बताती है कि ये बेहतर है कि हम पहले तैयारी कर लें। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट, आखिरी वक्त में तैयारी के लिए कोई। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को बार बार देखिए, इससे आपको लाउड रीडिंग में मदद मिलेगी, नए अल्फाज के मायने, उनके तलफ्फुज को समझने में मदद मिलेगी। आप घर पर भी इससे लाउड रीडिंग की अच्छी मशक कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाए हैं कि मैं घर पर भी आपके साथ आपकी पढ़ाई में मदद कर सकूं। अब तक आप लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत पसंद किया है मेरे वीडियोस को। आगे भी अपनी मोहब्बतें इसी तरह मुझ पर कायम रखिए। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों।